जनमत की पुकार में आपका स्वागत है। कटिहार की एक पंचायत में 1 करोड़ 8 लाख की योजना का शिलान्यास किया गया। बिहार के कटिहार जिले के बरारी प्रखंड अंतर्गत बरारी नगर पंचायत में डाक बंगला में पंचम राज्य वित्त आयोग योजना के तहत बाउंड्री वॉल और कटरा दुकान निर्माण कार्य का शिलान्यास किया गया। इस योजना की कुल राशि 1 करोड़ 8 लाख रुपए है। कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ नारियल फोड़कर और फीता काटकर किया गया। इस अवसर पर सामूहिक रूप से जिला परिषद अध्यक्ष रश्मि सिंह, विधायक विजय सिंह, एमएलसी अशोक अग्रवाल, नगर पंचायत बरारी की मुख्य पार्षद बबीता कुमारी, उप मुख्य पार्षद अमन कुमार और जिला परिषद सदस्य गुणसागर पासवान उपस्थित थे। इस योजना की शुरुआत होने से स्थानीय नागरिकों में काफी उत्साह है। शिलान्यास कार्यक्रम में अन्य गणमान्य व्यक्तियों में राजीव कुमार भारती, राजीव चौधरी, मनोज कुशवाहा, गुणसागर पासवान और कई अन्य लोग मौजूद रहे। स्थानीय लोगों ने इस योजना का स्वागत किया और विकास कार्यों की गति तेज करने की मांग की। देखिए यह रिपोर्ट। डाक बंगला 150 वर्ष से यहाँ अवस्थित है, जो कि काफी जीर्णशीर्ण अवस्था में थी। और जब हमारे बड़े भाई समान जिला परिषद सदस्य गुणसागर पासवान जी यहाँ के जिला परिषद सदस्य बने, तो उन्होंने मुझे यहाँ की स्थिति से अवगत कराया कि मतलब पुरखों के जमाने का यहाँ डाक बंगला बनाया गया है, जो कि एक बरारी के लिए धरोहर है। और उस धरोहर की अवस्था भी ऐसी है कि वो पूरी जीर्णशीर्ण है। तो मैडम वहाँ चला जाए और वहाँ एक बार भ्रमण किया जाए। तो मैं आई, मैंने देखा, मेरे संज्ञान में आया। सही बात है, बिल्कुल जीर्णशीर्ण अवस्था, ऐसे लग रहा था कि छत अभी टूट के गिर जाएगा। और इतनी सारी खाली ज़मीनें पड़ी हुई हैं, जो कि बिल्कुल, और सड़क के किनारे है, काफ़ी मल्टीपर्पज यूज़ हुआ इसका। तो भाई गुणसागर जी का प्रस्ताव था कि डाक बंगला का जीर्णोद्धार कराया जाए, चार दीवारी का निर्माण कराया जाए। और फिर यहाँ पे एक हाई मास्ट लाइट भी हम लोगों ने दिया है, जो कि जिला परिषद की अवशेष ही है। तो हम लोगों ने इस पर काम किया, आगे दुकानें बन रही हैं, 18 दुकान बन रही हैं, आगे फिर और भी बनेंगी। तो इस हिसाब से डाक बंगला का भी आप देख ही रहे हैं, रंग रोगन किया गया है। अभी बिल्कुल बिल्कुल एकदम दुरुस्त हालत में है, बैठने की स्थिति में है। हर कोई यहाँ पे, जो भी ये माननीय आएंगे, उनके बैठने की भी व्यवस्था है यहाँ पे, तो सभी के लिए ये उपलब्ध है। तो आप लोगों को आपके क्षेत्रीय जो जिला परिषद के सदस्य, उनको धन्यवाद देना चाहिए कि उनके प्रयास से आज ये हम आप लोगों को मतलब बरारी के लिए सफलता मिली है कि धरोहर को फिर से संजोया गया है। और आगे हम लोगों मतलब यहाँ के ग्रामीणों ने भी एक प्रस्ताव रखा था कि बरारी में विवाह भवन नहीं है, जो कि अति आवश्यक है। तो हम लोगों की ज़मीनें हैं यहाँ जिला परिषद की, यहाँ बहुत मात्रा में, अधिक मात्रा में ज़मीन है। तो हम लोग साइड से एक विवाह भवन का भी निर्माण करवाने वाले हैं। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें,
लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।